हेलो गेमर्स, वेलकम बैक चोटा गेमर। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं ट्राई करने वाला हूँ क्लॉ, क्योंकि एक बंदे ने कमेंट करके बोला था कि गाइस प्लीज़ ट्राई करो क्लॉ। तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो गाइस, अभी मैं थोड़े क्विक मैचेस खेलूँगा, तो गाइस वो भी देखना। और गाइस, अब मिलते हैं सीधा सीधा क्लासिक मैच में, आपके साथ बोलूँगा मैं। तो गाइस, इंट्रो है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बना के दिया, तो ये बताना कमेंट में। I wanna be, I wanna find myself.
up your way. I'm pushing myself to the edge, lying and go away. Been testing myself by the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me. God, so paranoid, so paranoid. तो गाइस आप लोगों ने क्विक मैच तो देख लिए होंगे। तो गाइस अब क्लासिक मैच। तो गाइस अभी हम फटाफट पबजी की तरफ है, तो मैं सोचा फटाफट लूट करते हैं, उसके बाद चलेंगे रश करने। तो गाइस अब सीधा आपको तो मिलूंगा रश पे। चलिए गाइस रश पे चलते हैं, रश पे। तो गाइस अभी यहां पे देखिए दो बंदे देखिए, और गाइस देखिए एक ही स्प्रे में दोनों बंदों को नॉक कर दिया। और गाइस ये क्यों हुआ, क्योंकि गाइस मैं क्लॉ यूज कर रहा हूं, तो रिकॉइल कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए अब मैं रिकॉइल कंट्रोल कर रहा था तो गोली ऊपर नहीं गई, उनके ऊपर ही रही और दोनों नॉक हो गए। यही फायदा होता है क्लॉ यूज करने का। आगे चार फिंगर्स होती है, एक से फायर, एक से स्कोप, और एक से या तो क्राउच वगैरह या फिर रिकॉइल कंट्रोल कर लो। तो गाइस अभी मेरे टीममेट ने दो नेट फेंक के खत्म कर दिए उनको। तो गाइस चलिए उनसे लूट करते हैं और फिर आगे चलते हैं। गाइस अब मैं यहां पे आया तो मुझे सामने देखिए नॉक बंदा दिखा, तो मैं और मेरे टीममेट को मैं चले कि तभी गाइस मुझे पीछे से एक बंदा दिखा। तो गाइस देखिए इसको मैंने मारा, और गाइस देखिए जैसे सक्सेस खुला, गाइस मैं डर गया बिल्कुल, मैं अब तो मर जाऊंगा, अब तो एम ही नहीं हो पाएगा। पर गाइस वो तो शुक्र है मेरा एम अच्छा था, मैंने उसको फिर भी मार दिया। और गाइस क्राउच इसकी वजह से मैं बच गया, वरना मुझे मार सकता था, क्योंकि ये सिक्सेस देख के तो भाई मैं डर गया था बिल्कुल। पर जो मर्जी क्राउच ने मुझे बचा लिया इस बार। अच्छा यार अगर आप मतलब जाग अगर आप क्लॉ यूज़ करते हो तो आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। तो गाइस अब मेरे एक टीममेट आगे जा रहा था, तो गाइस उसको एक बंदा मारने लगा, और गाइस पीछे उसकी पूरी स्क्वाड आ गई, तो उन्होंने मेरे टीममेट को नॉक किया। तो गाइस देखिए एक बंदा पेड़ के पास था, कभी मैं कोई डैमेज नहीं दे पाया, पर ये दो बंदे थे इनको डैमेज दिया मैंने और एक को नॉक भी कर दिया। अब मेरे टीममेट ने भी एक बंदा नॉक किया, तो मैंने सोचा उनका रश करते हैं। तो गाइस देखिए इस टीममेट को कैसे पड़ने लगी, और गाइस मैं रिस्क लेके आगे नहीं जा सकता था, तो गाइस मैं इसलिए थोड़ा पीछे रहा। पीछे मैं देखिए पीछे आने के चक्कर मेरा दूसरा टीममेट भी नॉक हो गया। तो गाइस अब मैंने सोच लिया था कि इनको पूरा फ्लैंक करके मारूंगा। तो गाइस देखिए अभी जस्ट मैं फ्लैंक करके यहाँ पे बैठा था, ये आ गया, इसको मैंने नॉक कर दिया। तो गाइस देखिए फिर यहाँ पर सिक्सेस हो गया, गाइस मैं इसे देख के भी डर गया। तो मैंने सोचा सिक्सेस को बाहर हटाओ यार, लगा रहे नहीं यार, बिना स्कोप के खेल लेंगे हम लोग। गाइस अब मैं यहाँ पर जैसे फर्स्ट एड गार्ड था, गाइस ये आदमी सामने आ गया, इसने मेरे पर रश नहीं किया, क्योंकि गाइस ये अकेला था अपनी टीममेट का बचा हुआ शायद, तो इसलिए इसने सबने रश नहीं किया, क्योंकि इसको भी नॉक कर दिया। गाइस पीछे उसका एक और बंदा आ गया, मतलब कितने बंदे थे यार। गाइस अब तो मैंने सोचा था इसको मारूंगा फिर पूरा स्क्वाड खत्म हो जाएगा एक ही बार में। गाइस देखिए मैंने इसने भी रश किया, मैंने रश किया, और गाइस मैंने उसको मार दिया, खराब हो गया पूरा स्क्वाड भाई। देखिए गाइस क्लॉ यूज़ करने से कितना सही स्क्वाड टाइप हो गया यार। अगर मैं सिर्फ टू फिंगर यूज़ कर रहा था तो मूवमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता। तो गाइस चलिए अभी उनको लूट करते हैं और मिलते हैं आपको आगे सीधा। तो गाइस अभी मैं जस्ट यहाँ से जा रहा, ये देखिए बंदा दिखा मुझे, अगर देखिए मैंने उनको बिल्कुल हेडशॉट मारा, पर फिर भी इसको बॉडी शॉट बजा। तो गाइस ये वाला तो चलो बॉडी बजना ही था, थोड़ा हिल रहा था, मार दिया बॉडी। अब पता है शायद इसका लेवल 3 की वैसे तभी नॉक नहीं हुआ, पर गाइस उसका दूसरा टीममेट था, मैंने उसको नहीं छोड़ा। देखिए इसको पहला बॉडी शॉट, दूसरा बॉडी शॉट और नॉक। अब गाइस मुझे लगा था कि दो ही बंदे यार, क्योंकि मेरे टीममेट ने बोला था कि सिर्फ दो बंदे हैं लोग, दो बंदे यार। तो गाइस मैंने देखिए उसको मारने की कोशिश की, पर वो फटाफट से टायर के पीछे चला गया। तो गाइस देखिए इसने मुंडी निकाली और सीधा नॉक। अब गाइस मेरे टीममेट ने बोला कि नहीं यहाँ पर सिर्फ दो ही बंदे यार, तो मैं सोचा तो मैं इसे रश करेंगे, हील वगैरह करके जाएंगे मजे से। मैंने फिर भी एक बार चेक कर लिया कहीं बंदे ना हो, तो फिर से टीममेट बोल लगा नहीं यार देख मत कोई नहीं है वहाँ पर, कोई नहीं है। तो मैंने सोचा लेट के वैसे हील करते हैं, फिर दोनों को आराम से हमारे गए। पर गाइस ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जैसे मैं हील करने लगा देखी गाइस सामने से उनके टीम के तीसरे बंदे ने मुझे मार दिया। गाइस चलो पिछले मैच तो टीममेट की गलती थी, पर गाइस इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब मैं गाइस यहाँ पे मिलता है, मैं उतरा हम दोनों डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, तो मैंने सोचा फटाफट लूट करते हैं और फिर चलते हैं रश करने। पर गाइस मुझे पूरी लूट इसी घर में मिल गई, एक के वो और बैरल जो मुझे चाहिए थी, और वेस्ट भी मिल गई लेवल 2 की, और क्या चाहिए। चली कर ही रहा था कि मुझे एक बंदे की आवाज़ आई, देखिए वो बोला देखिए छोटा तो हेलमेट दिखा, देखिए बाहर आया मुझे मारने के लिए, पर गया था फटाफट से कवर में चला गया। और गया था अभी स्टोर के आगे थी, इसको तो नॉक करना बनता ही था, और गया उसको भी मैंने नॉक कर दिया और फटाफट से फिनिश भी कर दिया। क्योंकि जैसे गया मैंने उसको मारा, और भी बंदे यार बहुत सारी फायरिंग होना स्टार्ट हो गई, देखिए मैप में फायरिंग होना स्टार्ट हो गई मिलता में, ऐसे कोई फायर ही नहीं कर रहा था। कहते अब इसको फटाफट फिनिश किया और गया आगे चलते। अब गाइस अभी यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखा, जैसे मैं ग्रेनेड फेंकने लगा, मैंने सेट भी नहीं किया था ग्रेनेड, वो बाहर आ गया और मुझे ग्रेनेड ऐसे फेंकना पड़ गया, वेस्ट हो गया मेरा ग्रेनेड। तो गाइस अब मैंने सोचा चले वैसे अब सीधा इस पर रश कर देते हैं, मैंने ग्रेनेड वेस्ट कराया। देखिए गाइस उसकी गोली दिख रही थी, देखिए थोड़ी सी गोली दिख रही थी,
मैंने अपने टीममेट को बताया सीधा रश कर दिया स्टे, और उसका गाइस एक रश भी बंदा सक्सेसफुल रहा। क्राउच अगर क्राउच यूज नहीं करता तो मैं पक्का से ना हो गया था यार। पर गाइस क्राउच भी तो ओपी अपना क्राउच यार। तो गाइस अपने टीममेट के लिए मैंने कुछ छोड़ दिया, उसके लिए आपको छोड़ दी। अब गाइस देखिए यहाँ पे मेरी अमेज़न की डिलीवरी आ गई थी, होम मेड डिलीवरी में मिला एक फ्री किल इस बॉट का। ऐसे हम लोग की डिलीवरी पब्जी वाले देते रहे तो मज़ा आता है। अब गाइस जैसे मैंने उसको मारा, मेरे टीममेट बोलता चलो उसको लूट करने चलते हैं, और कोई नहीं खाली हो गया, किल हो गया पूरा। तो गाइस देखिए तब एक बंदा देखिए वहाँ से ऊपर शॉट तो आया, देखिए कमरे में था, इसने मेरे टीममेट को नॉक किया और मैंने इसको नॉक कर दिया। अब मैंने सोचा पहले टीममेट को दिया देते, बाद में रश करेंगे कहीं वहाँ पे उसकी टीम ना उभरी। तो गाइस देखिए अभी इसको जस्ट फिनिश किया और इसे लूट की। तो गाइस अब जैसे देखिए कितनी बुरी किस्मत थी मेरी, मैं जैसे बाहर निकला इस बॉट को लूट करे जो मेरे मारा था, एक लेटा वो बंदा सांप शायद इसी का टीम मेट था। देखिए ऊपर में सांप बन गया था यार, मैं दिखा भी नहीं, पर इसने मैं नॉक कर दिया। और गाइस इसने मेरे टीम मेट को दीवार के आर पार से मार दिया, मेरे टीम मेट बोल रहा पता नहीं यार हैकर था या नहीं था मुझे नहीं पता। तो गाइस अभी दूसरे मैच हो गए, पबजी की बिल्कुल भगदड़ मची हुई थी यार, बहुत सारे लोग आए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग आए थे। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा टी सी पे लेने लगा कि दिख जाए मैं दिख जाए, और कोई दिखा नहीं, सिर्फ फुर्सत में दे रहे थे। तो यहाँ सामने से मुझे फुर्सत आने लगे तो मैं फटाफट खिड़की से कूदा, सोचा कि चलो अब इन पर रश करते हैं। एक टीम तो एक टीम मेट वहाँ पर था मेरा, शायद मैं थोड़ा क्राउच के लिए पीछे भी फायर हो रही थी, मुझे थर्ड पार्टी का भी मारना थे। अब मैं देखिए मैं जैसे ऊपर गया ये बंदा मुझे मिल गया, और इसको मैंने मार दिया, आसान था यार इसको मारना बहुत ज़्यादा। अगर देखिए क्राउच जब आप मतलब को लॉजिक कर रहे होते हो तो क्राउच और पीक तो आप एक हाथ से कर सकते हो मैं इसे। अब अगर देखिए आप मैं खड़ा हुआ, मैं खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा था, मुझे पीक करके मार दिया। अगर जहाँ पर हम एक साइड से नहीं दो साइड से घिर रहे थे, देखिए वो मेरा टीम में रश करने क्या, फिर वो भी देख के डर गया, उसको दोनों साइड से पढ़ने लगी। अगर देखिए मैंने यहाँ पर फटाफट फर्स्ट एड लगाई, पर गाइस देखिए मेरे टीममेट ने जैसे उसको पीक कर रहा था उसको मारने की कोशिश की, पर उसको दूसरी साइड से किसी ने M16 से पड़ने लगी। अगर देखिए जैसे मैं ही बाहर से निकला मुझे भी किसी ने M16 से मारा, तो गाइस हम दोनों साइड से घुस चुके थे। पर वैसे ही क्योंकि अगर कोई रश कर था तो गाइस बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो मैं सोचा फटाफट हील करते और वहाँ से निकलते हो। तो गाइस अब वहाँ से किस तरह निकल के आए थे, जैसे ही मेरा टीममेट घर के अंदर घुसने लगा उसे देखिए उसने नॉक कर दिया, बाहर बैठे हैं मैं घुस गया था मेरे घुसने किया पर उसको नॉक कर दिया, और मैंने अपने टीममेट का सब बदला ले लिया। गाइस अब अपने टीममेट को जाना भी एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यार। तो गाइस फटाफट मैंने उसको रिवाइव किया। गाइस अब देखिए इसको मैं रिवाइव दे रहा था, देखिए वो देखिए मतलब पीक करके देख रहा है कब वो बंदे होते और मैं उनको मारूँ। पर गाइस हमें भी दिमाग है, हम भी ऐसा यूज करते हैं पता चल जाता है। और देखिए अब मैंने सोचा कि इसको ग्रेनेड करते यार, मैंने पहले पीक करके मारने की कोशिश की पर बीच में बॉल आ रही थी, तो अब मैंने पहले ग्रेनेड फेंका कि अगर ग्रेनेड से मारता तो ठीक है। तो गाइस दरवाज़ा खुलने के बाद मुझे लगा वो भाग गया होगा, तो मैंने फटाफट से प्लान किया कि मैं दिख जाए कहाँ जा रहा हूँ। देखिए गाइस वो देखिए सामने वाले घर में गया, देखिए इस वाले घर में गया, और इसको लगा कि किसी ने देखा ही नहीं है इसको, बहुत ज़्यादा चलाक बन रहा था। पर हम भी हेडफोन यूज करते हैं पता चल जाता है। और गाइस देखिए पीछे से किसने मारा यार, मैं समझ नहीं आया। गाइस टीम मेट ने उसको नॉक कर दिया, तो मैंने उसको फटाफट सबसे पहले फिनिश किया। और गाइस देखिए वो सामने एक बॉक आ गया, तो प्लीज भी आगे निकल गए। गाइस देखिए मैंने उसको मारा पर नॉक नहीं हुआ, पर गाइस उस वाले बंदे ने मेरे टीम मेट नॉक कर दिया। गाइस मैंने उसको फटाफट सुरक्ष कर दिया और उसको नॉक भी कर दिया, ये देखते रह गए मेरे लोग। तो फिर फटाफट किल भी कर दिया, तब से लूट की यार। आजकल मैं एक गेम ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पावर पसंद है यार, रिकॉइल कंट्रोल भी हो जाती है। पर गाइस तभी मैं आवाज आई कि मेरे घर में आया, तो मैंने एक गेम ली, पर गाइस देखिए फटाफट हारे आ गया है, देखिए तभी मैंने मार दिया मजे से क्राउच से। क्राउच ओपी यार, बिल्कुल ओपी, आप जितना ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं मास्टर कर सको ना क्लॉ को कर लो यार, बहुत तेज यूज़ है यार क्लॉ। और देखिए अब मैं यहाँ पे कूदा, अगर मेरा टीम मेट अभी तक नॉक पड़ा था, तो मैंने फटाफट लूट की और यहाँ पे इसको रिवाइव किया। पर मुझे एक बंदा सामने दिख गया था, उसका छोटा सा हेड दिखा था एक टीम के, अगर देखिए उसने मेरे टीम मेट को नॉक कर दिया। गाइस मैंने कहता था कि मैं भी मर जाऊँ उससे, फटाफट टीम मेट को नॉक किया यहाँ पे किसी भी, अगर देखिए किसी भी लेने का फायदा तो मुझे दिख गया थे उसको लगा कि अब यहाँ पर उसने जरूरी था क्योंकि मेरे दोनों टीम मेट की हेल्प कम थी। यहाँ पर राउट का जो नोकी क्राउच ओपी था, ओपी है और ओपी रहेगा, बस यूज़ करना आना चाहिए।
मेरे क्लॉ पे थोड़ा बहुत हाथ बैठ गया, तो अब इससे ही खेला करूँगा, मैं टू फिंगर छोड़ दूँगा मैं। तो गाइस अब यहाँ पर सामने मेरे टीम मेट ने एक बंदा नॉक किया था, तो मैंने भी सोचा कि वहाँ पे हम भी थोड़ा किल बटोर लेते हैं। तो गाइस देखिए सामने से बंदा दिखा, और गाइस मुझे याद आया कि मैंने अभी 6x3x बनाया नहीं है, मैं सिंगल पे फायर करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं कर लेता तो मेरे लिए अच्छा रहता आगे भी, ठीक है आगे जैसे कुछ और ही हो गया। अगर देखिए सामने एक और बंदा दिखा, इसको मारा, एक शॉट भी लगा इसको, पर गाइस थोड़ा सा माइनर से लैग, देखिए बिल्कुल देखिए माइनर से लैग हुआ, और गाइस देखिए इसकी वजह से मैं नॉक हो गया। गाइस यही है यार बेकार। गाइस अब देखिए मेरा टीममेट अकेले रशर लगे करने चला गया था, और गाइस ये वाला टीममेट हो गया था ऑफलाइन, इसकी वजह से मेरा अच्छा वाला मैच हो गया खराब। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं क्लॉ पे मतलब क्लॉ यूज़ करके और वीडियो बनाऊँ, तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। और गाइस जो आउटर है वो भी एक सब्सक्राइबर ने बनाया हुआ है, तो वो भी बताना कैसा है। टिल देन स्टे ट्यून्ड।